गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी करने जा रहे हैं, जो कि हमारा CTS, CITS, अपेरल डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों के लिए फैशन, ड्रेस मेकिंग, हर एक जगह जहाँ पर भी हमें गारमेंट्स, क्लोदिंग, अपेरल इन सब की बात करते हैं, चाहे हम ड्रेस मेक कर रहे हैं, चाहे हम पैटर्न्स बना रहे हैं, चाहे हम गारमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक बेसिक सा हमारा फंडा है जो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। इसका मेन मीनिंग जो होता है फ्यूजिंग का, वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बेस करता है, जिसे हम अप्लाई करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम को स्पेशलाइज मशीनरी ओवर द क्लोथ्स। मतलब कि फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी किस बेसिस पे काम करती है, ये हमारी टेम्परेचर के बेस पे और प्रेशर के बेस पे काम करती है एक पर्टिकुलरली पीरियड ऑफ टाइम पे। साथ के साथ हमें क्या चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड मशीनरी भी चाहिए होती है अपने क्लोथ के साथ। ऑल द टेक्निक्स यूज ड्यूरिंग फ्यूजिंग प्रोसेस आर रेफर टू एज अ फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी हम इस दौरान इस्तेमाल करते हैं उसको फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इससे क्या होता है, हमें फ्यूजिंग आपने सुना होगा मार्केट में, जब आप गारमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप अलग अलग तरह की लाइनिंग, इंटरलाइनिंग यूज़ करते हैं, फ्यूजिंग्स यूज़ करते हैं, तो कॉलर्स में करते हैं, कफ में करते हैं, आप सलवार के बॉटम पोंचों में करते हैं, कोट्स में करते हैं, और भी जर्नली अपनी जो हमारी बॉडी होती है किसी भी ड्रेस की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्टिफ रखने के लिए भी हम फ्यूजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं सब फ्यूजिंग के बारे में आज हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ये क्या करती है, ये मेंटेन करती है शेप एंड फिनिशिंग इन गारमेंट। ये हमारी गारमेंट के अंदर शेप और फिनिशिंग को मेंटेन करती है, ब्यूटी लाती है हमारी गारमेंट के अंदर, रिंकल्स को रिमूव करती है, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉलर, सलवार, बॉटम, एंकल, नेक डिज़ाइन और पॉकेट्स के अंदर। फ्यूजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ एक कंपोनेंट्स या फिर उनके ब्लॉक्स को फ्यूज़ किया जाता है इंटरलाइनिंग कोटेड विद थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स। मतलब थर्मो मीन्स हीट, सो हीट सेंसिटिव रेजिन्स के साथ हम इंटरलाइनिंग को क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, शेप को इम्प्रूव करती है, रेजिस्टेंस लाती है, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है फैब्रिक को ज्वाइन करने का, आपस में जोड़ने का। अब हम बात करते हैं कि पुराने समय से किन किन ऐसे गारमेंट्स हैं जिसके अंदर हम फ्यूजिंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि स्कर्ट्स एंड ट्राउजर्स में वेस्ट बैंड, ओवरलैप और अंडरलैप बनाने के लिए, ब्लाउज, शर्ट और ड्रेसेस के अंदर कॉलर, फिनिशिंग और कफ्स के लिए, जैकेट्स और कोट्स में फ्रंट फेसिंग, कॉलर्स, पॉकेट फ्लैप्स, पॉकेट ओपनिंग एक्सेट्रा बनाने के लिए। सो ये सब चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम बहुत पुराने समय से आज तक भी फ्यूजिंग का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी फ्यूजिंग बेस करती है। तो तीन फैक्टर्स है, एक तो हमारा बेस फैब्रिक जिसके ऊपर हम फ्यूजिंग कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ फ्यूजेबल रेजिन, कौन सा हमारी जो फ्यूजिंग है उसके ऊपर कौन सा रेजिन लगा हुआ है, और लास्ट होता है हमारा पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रेजिन टू द बेस क्लोथ, कि हम किस हिसाब से, किस पैटर्न से, किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने रेजिन को बेस क्लोथ पे। तो सबसे पहले बेस मटेरियल जो हमारा ये था, बेस मटेरियल ऑफ द फ्यूजेबल, इसके बारे में बात करेंगे, कैसा होना चाहिए, रफ़ सरफेस होना चाहिए, ठीक है, कॉटन फैब्रिक हो गया, कैम्ब्रिक हो गया, इस तरह के हमारे जो फैब्रिक्स हैं उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, और कैसे होते हैं, जो हमारे नीट लॉक्ड होते हैं, ठीक है, यार्न्स, उनको हम मेनली इसमें यूज़ करते हैं। नॉट इफ़ेक्टिव टू यूज़ नायलॉन फैब्रिक, नायलॉन फैब्रिक क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि वो सिंगल नीट बेस से बना हुआ होता है, इसलिए हम नायलॉन फैब्रिक को बेसिकली यूज़ नहीं करते। बेस मटेरियल एंड द फिनिशिंग, बेस मटेरियल एंड द फिनिशिंग से क्या चीज़ होती है, जो भी हमारा फ्यूजेबल मटेरियल होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस मटेरियल और कोई भी एक फिनिशिंग, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा यार्न वीव्ड होता है और हमारा केमिकल ट्रीटमेंट दी गई होती है। ये तो था हमारा बेस मटेरियल की बात, अब हम बात करेंगे रेजिन्स के बारे में। सो रेजिन्स हमारे कौन से हैं, जो भी हमारा बेस मटेरियल के ऊपर कोई भी केमिकल हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाई केमिकल ऑन बेस मटेरियल, क्लियर। अब
क्या होता है, एक पर्टिकुलरली हमें उसको जब चिपकाना होता है तो उसके लिए हमें एक निश्चित, एक पर्टिकुलर हमें टेम्परेचर देना होता है, एक पर्टिकुलर हमें दबाव देना होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको रेजिन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो भी फ्यूज़ेबल होता है, मतलब जो भी फ्यूज़ेबल वाला रेजिन का भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, आपने देखी होगी कभी भी, आपने फ्यूजिंग देखी होगी तो एक तरफ से चमकीली होती है, ठीक है, उस जगह पे एक तरफ से सॉफ्ट भी होती है, लस्ट्रस भी होती है और थिक भी होती है। क्यों? क्योंकि उस ही जगह पे, उसी एक साइड पे हमारा क्या लगा होता है, हमारा रेजिन लगा होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेजिन की। तो हमारे कितने तरह के रेजिन होते हैं? 6 तरह के रेजिन होते हैं। कौन कौन से? पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएमाइड्स, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज कॉल्ड पीवीसी एंड पॉलीविनाइल एसीटेट। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीइथाइलीन कोटेड इंटरलाइनिंग की। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारी किसके लिए यूज़ हुई है? इथाइलिन हमारी शर्ट के कॉलर्स के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? शर्ट के कॉलर्स के लिए यूज़ होती है। और ये क्या है हमारी? पॉलीइथाइलिन एक हमारी रेजिन कॉटिन है। रेजिन मतलब कि हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, केमिकल है, केमिकली कोटिंग थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक है ये, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम? शर्ट की कफ पे या कॉलर्स के ऊपर। और फैब्रिक को भी कैसे अटैच करते हैं? एक इंटरलाइनिंग के द्वारा हम इसको अटैच करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीप्रोपाइलीन कोटेड। पॉलीप्रोपाइलीन कोटेड का कौन सा आएगा हमारा? जिसके अंदर इस तरह का आप देख सकते हैं, आपने मार्केट्स के अंदर भी देखा होगा, इसमें फैब्रिक को क्या करते हैं हम? अटैच करते हैं इंटरलाइनिंग के द्वारा, और इसको हम वॉश कर सकते हैं, मतलब वाटर के साथ। क्लियर? और हाई टेम्परेचर के अंदर इसकी फ्यूजिंग की जाती है, मतलब लो टेम्परेचर पे इसकी फ्यूजिंग नहीं होती, हाई टेम्परेचर इसको नीड होता है। और इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है किसकी तरह? पॉलीइथाइलीन कोटेड इंटरलाइनिंग की तरह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉलीएमाइड कोटेड फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग। किस तरह की होती है? जिस तरह से पॉलीएमाइड कोटेड फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग, पॉलीएमाइड्स को यूज़ किया जाता है हमारे रेजिन कोटिंग के अंदर, रेजिन कोटिंग के अंदर, ठीक है। और हाई टेम्परेचर फ्यूजिंग करी जाती है गारमेंट्स के ऊपर, और जिसको हम वॉश कितने पे करते हैं? 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट आती है हमारी पॉलिएस्टर कोटेड फ्यूजिंग। पॉलिएस्टर कोटेड फ्यूजिंग हमारी इस तरह से आपको पॉलिएस्टर फाइबर के हिसाब से दिखेगी, ठीक है। इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज आइडल इंटरलाइनिंग। आपने मोस्टली इस इंटरलाइनिंग को यूज़ किया होगा। मार्केट के अंदर जो इसका प्राइस है वो क्या है? ये हल्की सी, मतलब नॉर्मल बाकी लाइनिंग से थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, ठीक है। और ये वाली हमारी कैसी होती है? लेस वाटर एब्जॉर्बेंट होती है हमारी पॉलीएमाइड के से। अगर हम कंपेयर करें पॉलीएमाइड से अपनी पॉलिएस्टर कोटिंग को, तो हमारी पॉलिएस्टर कोटिंग थोड़ी सी क्या होती है? महंगी होती है। देन है हमारी पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोटिंग कोटेड फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग, ठीक है। सो ये किस तरह से होती है? ये हमारा, इसमें पॉलीविनाइल कोटिंग को यूज़ करते हैं एज एन रेजिन को, ठीक है। और इसको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए और वॉशेबल गारमेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहाँ पर? कोट्स, जैसे जिस तरह के कोट होता है ना, वो ड्राई क्लीन भी होता है और उसको हम नॉर्मल वॉश भी कर सकते हैं। सो उसी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट आती है हमारी पीवीए, दैट इज़ पॉलीविनाइल एसीटेट कोटेड फ्यूजेबल इंटरलाइनिंग। ये इसके अंदर हमारा जो रेजिन यूज़ होता है उसका नाम क्या होता है? पीवीए, दैट इज़ पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। और जो हमारा पॉलीविनाइल एसीटेट कोटिंग इंटरलाइनिंग होती है, उसको हम ड्राई क्लीन नहीं कर सकते और वॉश भी लिमिटेड ही करते हैं। ये नहीं है कि हम उसको वॉश करते रहेंगे। और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? इसको हम लेदर और फर के मटेरियल के अंदर यूज़ करते हैं। लो ही प्रेशर चाहिए होता है इसके लिए और लो ही टेम्परेचर भी चाहिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ अप्लाइंग रेजिन टू द बेस क्लोथ। अब हमें अपने बेस क्लोथ के ऊपर क्या अप्लाई करना है? रेजिन अप्लाई करना है। तो उसके भी कितने टाइप्स हैं? उसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? स्कैटर्ड कोटिंग, ड्राई डॉट प्रिंटिंग, पेस्ट कोटिंग, ठीक है। ये कितने टाइप है? ये हमारे 3 तरह की कोटिंग है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कैटर्ड कोटिंग के बारे में। ये हमारी चीप टेक्निक है। चीप टेक्निक का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये इजी टू सस्ती है।
इजी टू गेट है, ये नहीं है कि इसमें बहुत कॉस्ट लग रही है, ठीक है। और इस तरह की कोटिंग क्या करती है, मेनली हम यूज़ कहाँ करते हैं, टाइप ऑफ स्कैटरर, स्कैटरर के अंदर जिसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है टेम्परेचर का, और कितना हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है इसमें, 150 to 400 डिग्री। देन आती है ड्राई डॉट प्रिंटिंग। ड्राई डॉट प्रिंटिंग किस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या होता है, कोटिंग होती है डॉट फॉर्म में, ठीक है, और ये डॉट फॉर्म में होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, रोलर्स के द्वारा हम बेस मटेरियल के ऊपर क्या कर देते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। और गारमेंट साइज के अकॉर्डिंग भी 12 डॉट्स पर इंच कोटिंग की जाती है। लास्ट है हमारी पेस्ट कोटिंग। पेस्ट कोटिंग कौन सी होती है, जो हम लोग सब करते हैं, जिसके अंदर एक और तरह की होती है, जो ये पेस्ट कोटिंग होगी ये स्मूथ पेस्ट होता है, जिसके अंदर वाटर को हम रेजिन के पाउडर के अंदर मिक्स करते हैं, और जब हम फ्यूजिंग करते हैं सो वाटर क्या होता है, ड्राई हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि हम उसमें कॉन्टिन्यूएशन में हीट को अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है। देन आता है हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन फ्यूजिंग प्रोसेस। फ्यूजिंग प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ एक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको आप फ्यूजिंग के पैरामीटर्स की बात भी कर सकते हैं। सो क्या क्या चीज़ आती है, आपका टेम्परेचर, आपका टाइम, प्रेशर और कूलिंग। मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं टाइम लगा के प्रेशर के साथ, और बाद में उसको कूल भी कर रहे हैं। सो टेम्परेचर डन बाय थर्मल टेस्ट पेपर, किसके द्वारा होता है, हमारा जो जो भी हम फ्यूजिंग को इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने टेम्परेचर की नीड होती है, हमें कैसे पता चलता है, थर्मल टेस्ट पेपर से, ठीक है। और ये जो एक टेस्ट पेपर होता है, इस पेपर के अंदर क्या होता है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कलर क्या करता है, कलर ब्लॉक बन जाता है। कलर ब्लॉक मतलब कि हमारा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम, दैट इज़ फ्लैट बेड प्रेस के अंदर एक टाइमर लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट प्रेस के अंदर ये हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, जो हम फ्यूजिंग के लिए मशीनरी यूज़ करते हैं। ये वाला टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे, जिसमें हमने ये मेंशन किया होगा कि कौन कौन सी मशीनरीज यूज़ है हमारी फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी के लिए। सो फ्लैट बेड प्रेस के अंदर हमारा टाइमर लगा होता है, और कन्वेयर बेल्ट प्रोसेसर के अंदर टैकोमीटर लगा होता है, ठीक है, जिसकी मदद के अनुसार हमें क्या पता चल जाता है कि कितना हमारा कितनी गति है, कितना टाइम लग रहा है, कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है। देन आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर कैसे पता चलता है कि अलग अलग जितने भी हमारे रेजिन्स होते हैं, ठीक है, और जिस अकॉर्डिंग हमारा बेस मटेरियल होता है उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें प्रेशर को देना होता है, दबाव को देना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कूलिंग। कूलिंग मतलब जब आपने अपना टेम्परेचर दे दिया, टाइम लगा के प्रेस कर दिया, तो अब आपका जो फ्यूजिंग है वो आपके कपड़े के साथ जुड़ जाती है, और उसको कुछ मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आपके थर्मोप्लास्टिक यान है, हीट सेंसिटिव यान्स है, तो उसको एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन फ्यूजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ फ्यूजेबल मटेरियल। फ्यूजेबल मटेरियल का सिलेक्शन करना है। फ्यूजेबल मटेरियल जैसे कि हमारी जो फ्यूजिंग है वो कितनी तरह की होती है, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 6 तरह की हमारी होती है, साथ के साथ ये हमारे जो फ्यूजिंग का प्रोसेस होता है ये हमारा 3 तरह का होता है, ठीक है। अब कौन कौन सा, रिवर्स फ्यूजिंग, सैंडविच फ्यूजिंग और डबल फ्यूजिंग, जिसके अंदर रिवर्स फ्यूजिंग कौन सी होती है, ये हमारी शर्ट और कॉलर्स के अंदर देखने को मिलती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो इंटरलाइनिंग होती है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है एक फ्यूजिंग बेड के ऊपर, और जहाँ पर भी हमें रेजिन अप्लाई करना होता है हम डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फैब्रिक, जो भी गारमेंट का फैब्रिक होता है उसको हम एक और पार्ट के साथ, एक और टुकड़े के साथ फैब्रिक के फ्यूजिंग लगा देते हैं, जिसको हम रिवर्स फ्यूजिंग भी कहते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा सैंडविच फ्यूजिंग। सैंडविच फ्यूजिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फ्यूजिंग मशीन के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर हीट को हम अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। जैसे हमारी सलवार के बॉटम के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, हीट और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है प्रॉपरली सारी के सारी लेयर्स के ऊपर, क्लियर। एंड लास्ट इज डबल फ्यूजिंग। डबल फ्यूजिंग क्या चीज़ होती है, टू टाइप्स की इंटरलाइनिंग होती है जिनको ज्वाइन किया जाता है गारमेंट के साथ, और बेसिकली किस पे होती है, कॉलर्स पे और फ्रंट पार्ट ऑफ द जैकेट के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। देन है हमारे डिफेक्ट्स ऑफ फ्यूजिंग प्रोसेस। फ्यूजिंग प्रोसेस का
क्या क्या डिफेक्ट्स रहते हैं? दो डिफेक्ट्स रहते हैं, एक तो स्ट्राइकिंग बैक और स्ट्राइकिंग थ्रू। बैक मतलब वापसी और थ्रू मतलब आर पार। सो स्ट्राइकिंग बैक क्या है? समटाइम्स द प्रेशर एंड द हीट आर नॉट कंट्रोल। कई बार हम ना तो टेम्परेचर ना तो हम प्रेशर को मेंटेन कर पाते और ना ही हीट को मेंटेन कर पाते। उस टाइम पे फ्यूजिंग क्या करता है, रेजिन में से पास हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ द फैब्रिक पे। ठीक है, अब मान लो हम इसको आयरन कर रहे हैं और ज़्यादा आयरन हो जाए तो क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है उसके अंदर से भी जो रेजिन है वो पास कर जाता है। इसको हम स्ट्राइकिंग बैक बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग थ्रू। कई बार प्रेशर और हीट को अगेन वही कि कंट्रोल नहीं किया जाता, कंट्रोल नहीं किया जा पाता, तो उस टाइम पे फ्यूजिंग के अंदर जो रेजिन होता है उसको क्या करते हैं, हम अपर पार्ट ऑफ द फैब्रिक के ऊपर पास कर देते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग थ्रू। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्यूजिंग के ऊपर। इससे रिलेटेड MCQs भी हम लोग लेके आएंगे और इसका ही पार्ट टू भी आएगा, जिसके अंदर हमने ये बता रखा होगा कि कौन कौन सी मशीनरीज यूज़ करी जाती हैं हमारी फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम कीजिए, मेल कीजिए, या आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।